ये 10 मिनट का डिक्टेशन है पत्रिका से। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। पंजाब में चुनाव की घोषणा क्या हुई कि वे सारी बातें जो वहां चुनाव ना कराए जाने के लिए की जाती रही घटित होते दिखाई देने लगी है। कांग्रेस आई ने तो हिंसक घटनाओं की बढ़ोतरी और विघटनकारी तत्वों के चुनकर आ जाने की आशंका से पंजाब में चुनाव का विरोध जमकर किया था। विगत समय से जो हालात वहां जारी है उनमें निष्पक्ष और बिना हिंसा के चुनाव की संभावना ही कांग्रेस आई को छीन नज़र आती थी। इसलिए जब चंद्रशेखर सरकार ने पंजाब में चुनाव की घोषणा कर दी थी तो अपने विश्वास के आधार पर कांग्रेस आई ने पंजाब के चुनाव का बहिष्कार घोषित कर दिया। माकपा के नेता सुरजीत सिंह भी पंजाब के हालातों को चुनाव योग्य नहीं मानते रहे और उनका स्वर भी तीव्र विरोधी बना रहा। यद्यपि चंद्रशेखर सरकार और कुछ राजनीतिज्ञों का कथन कि आखिर कब तक पंजाब राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लोकतंत्रीय व्यवस्था से कटकर बना रहेगा, चिंता और कारगर कदमों की आवश्यकता को रेखांकित करता था। पर जब चुनाव से लोकतंत्र की बजाय पंजाब में आतंकवादी और विघटन की शक्तियों को चुनने की लगभग बाध्यता दिखाई दे रही हो, तब सरकार और चुनाव आयोग को सारी स्थितियों पर सभी पहलुओं से विचार कर निर्णय करना उचित होता। पर तब शायद चंद्रशेखर ने अपनी लोकप्रियता की बढ़ोतरी और अपने सारी कदमों की विश्वसनीयता जताने के लिए विरोध के बावजूद भी पंजाब में चुनाव का ऐलान कर ही दिया। जब चुनाव का निर्णय घोषित हो ही गया तो चुनावी जंग में कांग्रेस आई को छोड़कर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए। पंजाब के अकाली दलों के साथ ही आतंकवादियों के लिए यह चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज होने का अच्छा अवसर मिल गया। स्थिति यह सामने आई कि आतंकवादियों ने असम के समान अपनी बंदूकों की नली नीचे नहीं की और अन्य हत्याओं के साथ ही उम्मीदवारों की हत्या का निर्मम दौर चालू कर दिया। आतंकवादियों की मंशा चाहे जो हो, पर पंजाब के मतदाताओं पर जो आतंक छा चुका है उससे कितने निष्पक्ष मत पत्र पेटियों में पड़ेंगे यह आसानी से सोचा जा सकता है। पिछले दिनों अकाली दल मान के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने अपने रिश्तेदारों और कुख्यात उम्मीदवारों को जिस तरह उदारता से टिकट बांटे थे उसकी खूब आलोचना ही नहीं हुई वरन उनके दल में फूट भी पड़ गई। पर इससे मान पर कोई असर नहीं हुआ। वह यह जानते हैं कि यदि उन्हें नेता बना रहना है और पंजाब के सिख मतदाताओं की वोट हथियाना है
तो कथित खालिस्तान का नारा लगाते रहना होगा। पर चूंकि उन्हें संविधान के अंतर्गत चुनाव का मौका मिला, इसलिए उन्होंने यह कहकर अपने को नरम किया कि भारतीय गणराज्य के उत्तर पश्चिम में एक ऐसे स्वायत्त शासी राज्य होना चाहिए जिसमें सिख आज़ादी से सांस ले सकें। गोया अभी पंजाब में सिखों के आज़ादी से सांस लेने पर कोई कानूनी बंदिश हो। हाँ, आतंकवादियों और लुटेरों के कूड़ कर्मों पर जरूर वहाँ का प्रशासन बंदिश रखने का प्रयास कर रहा है, पर जब मान को भारतीय प्रशासन मान्य हो तब नंबर व तब न वह तो पंजाब राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर खुद विराजना चाहते हैं। इसके लिए यदि उन्हें विघटनवादी वक्तव्य मदद पहुंचाते हैं तो फिर उसका सहारा वे क्यों ना लें। यही हाल दूसरे अकाली दलों का भी है। उन्हें यदि सत्ता पर काबिज होना है, अधिक से अधिक अपने उम्मीदवार जिताकर विधानसभा और लोकसभा में भेजना है, तो स्वायत्त शासी शासन की मांग की आड़ में कथित खालिस्तान की स्थापना के लिए अपने को सक्षम बताना होगा। अकाली दल बादल का चुनाव घोषणा पत्र यही मंशा लेकर पिछले दिन जारी हुआ। अकाली दल बादल के वरिष्ठ नेता ने उस दिन कहा है कि पंजाब राज्य को अपनी तकदीर का फैसला खुद करने की आज़ादी होना चाहिए। उनके वक्तव्य में यह भी कहा गया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी सिखों को आम माफी के साथ क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि दी जाएगी। उन्हें अधिकारियों को सजा दी जाएगी जिन्होंने सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया। अकाली दल बादल यद्यपि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर मान के अकाली दल से अलग हो गया था, पर अब वह भी सत्ता की खातिर आतंकवादियों के कब्जे में दिखाई दे रहा है। मतलब यह कि यदि कोई भी अकाली दल वहां सत्ता में आता है, वह स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना के लिए जद्दोजहद करेगा और ऐसे हालात पैदा करेगा कि भारत सरकार के वश में तब शायद कुछ भी ना रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी का आकलन ही शायद एक बड़ा सच था। पिछले दिनों उम्मीदवारों की लगातार हत्याओं से केंद्र सरकार भी अब विचलित दिखती है। सारे देश में यह सशक्त मांग उठ आई है कि पंजाब में अभी सचमुच चुनाव के हालात नहीं हैं। पंजाब में मतदान जून को है और तब तक शायद चुनाव आयोग कुछ फैसला ले लेगा। राष्ट्रपति भी चुनावी हिंसा से काफ़ी व्यथित हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए पंजाब के हालातों को देखते हुए चुनाव टाल दिए जाएं। वैसे भी वहां कुछ जिन विधानसभा क्षेत्रों तथा लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की हत्याओं के कारण चुनाव स्थगित किए जा चुके हैं और हत्याएं ना हों और पंजाब पर भारत सरकार का नियंत्रण बना रहे, इसलिए हालात देखते हुए पंजाब में चुनाव को अनिश्चित काल तक टालना ही उचित है। कांग्रेस आई भाकपा तथा भाजपा के
साथ ही देश के बौद्धिक समाज का भी केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग से यही आग्रह है।